दोस्तों, मैं वह देवल शर्मा वैद्य ओम प्रकाश खानदानी दवाखाना बठिंडा से मैं आज आपको गठियावात और यूरिक एसिड कमर के दर्द के लिए एक रामबाण नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो मेरे दादाजी का पुराना से पुराना जोड़ दर्द का एक नुस्खा है जो आपको रामबाण काम करेगा। इसकी गोलियाँ तैयार करनी है आपने, जो गोलियाँ रामबाण काम करेंगी। ये सारा नुस्खा मैं आप सभी को आज ही बता जी। दोस्तों, नुस्खा इस प्रकार है। गुगल भैंसिया लेनी है आपने 12 ग्राम, मगा लेनी है आपने 12 ग्राम, मिठियाँ सुरंजा लेनी है आपने 12 ग्राम, घी में भुनी हुई हींग लेनी है 12 ग्राम, सौंठ लेना है आपने 12 ग्राम, पिपला मोहन लेना है आपने 12 ग्राम, एलुआ मुसब्बर लेना है आपने 12 ग्राम, स्ट्रॉबेरी बढ़िया वाली लेनी है आपने 12 ग्राम, काली मिर्च लेनी है आपने 12 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर लेना है आपने 12 ग्राम, अकरकरा इंडियन लेना है आपने 12 ग्राम, 48 ग्राम आपने कुचला लेना है शुद्ध किया हुआ घी या अरंड के तेल में, 48 ग्राम आपने काला नमक लेना है। इसका सभी का आपने एलोवेरा के जल में घुटाई करनी है। उसके बाद इसकी चने बराबर गोलियां तैयार करनी है। आपको सारा नुस्खा मैं तैयार करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार इसकी तैयारी है। जो ये हमने जड़ी बूटियाँ दिखाई थी सारियाँ, इनका चूर्ण हमने तैयार कर लिया है, कबड़ छान कर लिया है। अब इसको इसमें डालने हैं, डाल के इसकी रगड़ाई करनी है और इसमें एलोवेरा का रस डालना है थोड़ा थोड़ा। वो डाल करके आपने इसकी चने बराबर गोलियाँ तैयार कर लेनी हैं। हमें कम से कम 3 दिन लग जाएंगे इसकी एलोवेरा के साथ घुटाई करते। अब हम आपको 3 दिन के बाद यह नुस्खा सारा मुकम्मल गोलियां आपको तैयार करके दिखाएंगे। दोस्तों, यह गोलियां हमारी मुकम्मल तैयार हो गई हैं। मैंने थोड़ी गोलियां ये निकाली हैं, बाकी जो गोलियां हैं वो छाया में सूख रही हैं। और ये इसको चने बराबर गोली बोलते हैं। ये चने के साइज़ की गोली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यह साटिका, कमर दर्द, यूरिक एसिड के लिए रामबाण है। आप अगर इसको आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो किसी नज़दीकी वैद्य हकीम से यह नुस्खा तैयार करवा सकते हैं। हमारे पास अक्सर ही यह नुस्खा तैयार रहता है। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि आगे से हम अच्छे अच्छे नुस्खे आपके लिए लेते आए।